उस चीज ने अट्रैक्ट नहीं किया कि यार फॉरेन जाके रहो, बढ़िया लाइफस्टाइल होगी, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बढ़िया होगा, सब गंदगी नहीं होगी, इंडिया में ऐसा है वैसा है। लोग कहते हैं ना इंडिया में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आई डोंट बिलीव इन दिस। सर आप IIT होने के बाद भी टीचिंग लाइन क्यों चूज किया, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, ये कोई बात हुई? मतलब जरूर, मतलब मेरे बताऊंगा चलो तुम्हें कभी। बेसिकली मुझे यार हमेशा से ऐसा था कि यार आई शुड बी एबल टू हेल्प पीपल। तो मुझे शुरुआत से ये था कि यार अगर आप, मुझे बहुत बार ये चीज़ लगती थी या फिर काफ़ी लोगों ने मुझे बचपन से भी ये बात बताई कि भाई अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते हो या इंडिया के अगर बच्चे अगर अच्छा पढ़ लिख लें तो देश अपने आप सुधर जाएगा। ये एक फैक्ट है, देखो आप में से जितने भी लोग अगर सब पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में तो ऑटोमेटिकली देश की तरक्की हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी यार, हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, दैट इज कि भाई आप इफ़ वी कैन गो इन टू टीचिंग एंड बच्चों की हेल्प कर सकें अगर पढ़ने में कुछ, क्योंकि मैथ्स में डर बड़ा लगता है बच्चों को, बचपन से मैंने देखा इंडिया में एक प्रॉब्लम है, मैथ्स से डर लगता है, बचपन से डर बैठा देते हैं टीचर्स या फिर इस तरह से हमें मैथ्स पढ़ाई जाती है कि यार डर लगने लगता है। तो कोशिश ये है कि बच्चों को मैथ्स से डर ना लगे, इजी लगे, इसलिए बेटा दैट इज स्टोरी। बाकी तो जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, फ्रीडम है। ऐसे तुम बोलोगे यार अरविंद केजरीवाल IIT के बाद वो पॉलिटिक्स में चले गए, चले गए उनका मन, उसका मन बेटा। हाँ बाकी देखो पैसे तो सभी को कमाने होते हैं, सभी को लाइफ में जरूरत है टू सस्टेन, वो तो है ही एक रीजन सभी को, वो तो हर जॉब में होता है बेटा, बट मेन रीजन टू ज्वाइन दिस फील्ड इज दिस। चलिए अब सभी लोग अगर सारे IITians से सोच के चले जाएं कि यार हम तो इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे और इंडिया के बाहर US कैनेडा में शिफ्ट हो जाएंगे, तो बेटा वो भी तो सही नहीं है ना, उनकी अपनी चॉइसेस, हमारी अपनी चॉइसेस है, सबको अपने अपना चॉइसेस लेने का हक है इस दुनिया में, है ना, वो भी गलत नहीं है, उनको वैसा अच्छा। मुझे कभी भी उस चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया कि यार फॉरेन जाके रहो, बढ़िया लाइफस्टाइल होगी, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बढ़िया होगा, सब गंदगी नहीं होगी, इंडिया में ऐसा है वैसा है। लोग कहते हैं ना इंडिया में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आई डोंट बिलीव इन दिस। धीरे धीरे हमारे, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई हम उसको बेटर करें। गाली देना तो बड़ा आसान है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को गाली दे के जाना कि अरे ये तो बेकार है आगे बढ़ जाओ, तो बहुत आसान है, ऐसे नहीं।